पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को श्री नवग्रह मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। दोपहर में कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों के निराकरण की मांग की है। एसोसिएशन के मुकुंद सिंह सिसोदिया, एचएल अटोदे, सोपान राव पवार आदि ने बताया कि प्रदेश के 4,50,000 पेंशनर्स अपनी न्यायोचित मांगों के लिए लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। केंद्र के समान महंगाई राहत में वृद्धि की जाए, सातवें वेतनमान का लंबित 27 माह एरियर भुगतान आयुष्मान योजना अथवा पेंशन बीमा योजना से जोड़ा जाए, केंद्र के पेंशनर्स की भांति प्रतिमाह 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता छठवें वेतनमान के तहत 32 माह का लंबित एरियर राज्य पेंशन को मिले जैसी मांगे शामिल हैं। इस दौरान पेंशनर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं दिया है सातवें वेतन का, 27 महीना का एरियर नहीं दिया, और 49 धारा जो 2000 से चालू करी इन्हें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की, उसमें उसकी आड़ में ये मध्य प्रदेश सरकार जो है हमको मांगे मंजूर नहीं करती और छल कर रही है, और वो जो राशि देती है महंगाई भत्ता वो बहुत लेट देती है और उसका एरियर भी नहीं हमको मिलता है। आज आप लोग इकट्ठे हुए क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग? हाँ, ये मांगे हमारे हमारे मांगे हैं, नौ प्रकार की मांगे हैं। एक कोई भी बोल देना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।